कर रहा है बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। रुद्रप्रयाग हादसे में इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, सड़क हादसे में 10 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और भीषण सड़क हादसे में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर रैतोली के पास यह हादसा हुआ, बेकाबू गाड़ी अलकनंदा नदी में जा पलटी। बताया जा रहा है कि सभी नोएडा से रुद्रप्रयाग जा रहे थे और बीच रास्ते में ही हादसे का शिकार हो गए। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से भयानक खौफनाक तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक गाड़ी बेकाबू होकर अलकनंदा नदी में जा पलटी और इस हादसे में अब तक कुल 10 लोगों की जहां मौत हो चुकी है जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के फौरन बाद आसपास के लोग रेस्क्यू के लिए पहुंचे, रेस्क्यू टीम को मौके पर बुलाया गया। जो लोग जिनकी जान बच गई थी उन्हें सुरक्षित नदी से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, खौफनाक ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली, जहां कुछ लोग नोएडा से निकले थे सफर पर और उन्हें नहीं पता था कि उनका आखिरी सफर होगा। बद्रीनाथ हाईवे पर रौतेली के पास ये भीषण हादसा हो गया, जहां पर बेकाबू गाड़ी अलकनंदा नदी में जा पलटी। पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग घटनास्थल पर ही है। उनके द्वारा बताया गया कि करीब एक आधा घंटा पहले एक टेम्पो ट्रेवलर जो नोएडा से आगे जा रही थी यहाँ रुद्रप्रयाग की तरफ, तो रैतोली जगह है रुद्रप्रयाग से पहले, वहाँ पर लगभग 150 से 200 मीटर गहरी खाई है, वहाँ पर गिर गया है, जिसमें से 7 लोगों की डेड बॉडी तो रिकवर कर लिया है, 9 लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाया गया है, जिसमें से एक की डेथ होना ज्ञात हुआ है। ड्राइवर भी बहुत गंभीर रूप से घायल है, इसलिए स्पष्ट नहीं हो पा रहा है अभी कि टोटल कितने लोग इसमें सवार थे। लिहाजा पुलिस, हमारे SDRF और स्थानीय लोग लगे हुए हैं वहाँ रेस्क्यू के लिए, और टोटल कितने संख्या है अब ये कुछ देर बाद ही स्पष्ट हो पाएगा जब पूरी रेस्क्यू वाला काम पूरा हो जाए। तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग के हादसे पर दुख जताया। सीएम ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत की आत्मा को श्री चरणों में स्थान और शोक संतप्त परिजनों को ये असीम कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करें। SDRF की टीम राहत बचाव में जुटी है और घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। DM को घटना की जाँच के आदेश दिए गए हैं। बाबा केदार से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। तो मुख्यमंत्री की ओर से, सीएम धामी की ओर से ये एक्स हैंडल पर पोस्ट कर लिखा गया है कि आत्मा को शांति मिले और जो लोग घायल हुए हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और रुक कर लेते हैं इस वक्त मिल रही एक और बड़ी खबर का, नीट पेपर विवाद पर बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध यूनिट यानी कि EOU ने 9 परीक्षार्थियों को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले महीने नीट की परीक्षा के दिन छापेमारी में पुलिस को पेपर हल करने वाली एक गैंग के पास से 13 छात्रों का कोड मिला था, जिनमें 4 छात्र परीक्षा के दिन ही गिरफ्तार कर लिए गए थे, लेकिन बाकी के 9 छात्र पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाए थे। उन 9 छात्रों को EOU ने अब नोटिस भेजा है। EOU इन 9 छात्रों से पूछताछ में जानने की कोशिश करेगी कि क्या उन्हें परीक्षा से पहले ही क्वेश्चन पेपर मिला था। ठंडा पड़ता नहीं दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ देश भर की कई अदालतों में याचिकाएं डाली गई हैं। अदालत मामले की सुनवाई कर रही है, न काउंसलिंग रुकी है, न ही नीट यूजी 2024 को निरस्त किया गया है। NTA ने ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया है और 1563 छात्रों के लिए 23 जून को री एग्जाम की तारीख तय कर दी है, लेकिन इससे नीट अभ्यर्थियों का आक्रोश कम नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ पटना में पेपर लीक की जांच चल रही है और इस जांच के समय बिहार पुलिस को छापेमारी के समय जला हुआ एक प्रश्न पत्र मिला है, साथ में उस प्रश्न पत्र के उत्तर भी हैं, जिसे बिहार पुलिस सबूत मिटाने के तौर पर देख रही है, लेकिन बिहार पुलिस इस नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है कि जो जला हुआ पेपर मिला है वो नीट यूजी 2024 से ही जुड़ा है।
बिहार ईओयू ने एनटीए से मूल प्रश्न पत्र मांगा है। एनटीए ने अब तक मूल प्रश्न पत्र ईओयू को नहीं दिया। मूल प्रश्न पत्र मिलने पर ही सबूत की जांच हो सकती है। पेपर लीक की जांच में ये सबसे बड़ी अड़चन है। बिहार पुलिस के मुताबिक अगर एनटीए से पूरी जानकारी मिलती है तो वो पेपर लीक के मामले में किंगपिन तक पहुंच सकती है। दरअसल जिस दिन 5 मई को नीट यूजी 2024 की परीक्षा थी, उसी दिन पेपर लीक की एक टिप पर काम करते हुए पटना के शास्त्री नगर थाने के एसएचओ ने कार्रवाई की और कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ये एक संगठित गिरोह है जिसके कुछ प्यादे और पेपर लीक का फायदा उठाने वाले छात्र पकड़े गए। 5 मई को एक कार में 3 आरोपी पकड़े गए। कार में 4 छात्रों के एडमिट कार्ड की कॉपी मिली। आरोपी सिकंदर ने पेपर लीक की बात कबूल की। पुलिस ने एक नीट अभ्यर्थी एग्जाम सेंटर से पकड़ा। आरोपी अभ्यर्थी ने भी पेपर लीक की बात कबूल की। 2 कोचिंग सेंटर पर प्रश्न पत्र मुहैया करवाने की बात बताई। 4 से 5 मई की रात उत्तर के साथ साथ प्रश्न पत्र देने की बात कही। परीक्षा में सभी सवालों के हुबहू मिलने की बात कही। 20 से 25 छात्रों को उत्तर के साथ प्रश्न पत्र देने का दावा किया। कोचिंग पर छात्रों को जवाब रटाने का दावा किया। 5 मई को शास्त्री नगर थाने में दर्ज की गई एफआईआर में पूरी कहानी को बयां किया गया है, जिसमें शुरुआती जांच में पेपर लीक की बात सामने आ रही है। हालांकि अभी तक एनटीए पेपर लीक से इंकार कर रहा है, लेकिन बिहार पुलिस की जांच में जो बातें सामने आ रही हैं, वो पेपर लीक पर मोहर लगाती हैं। और बिहार ईओयू का दावा है कि पेपर लीक की घटना मध्य प्रदेश और गुजरात में हुई और वहाँ से पेपर बिहार पहुँचा। उधर गुजरात के गोधरा में पुलिस ने नीट परीक्षा पास करवाने की साजिश का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ा है, जिसमें 2 आरोपी मुख्य साजिशकर्ता बताए जा रहे हैं। एजुकेशन कंसल्टेंट कंपनी रॉय ओवरसीज पर आरोप। गोधरा के जय जलाराम स्कूल पर आरोप। नीट पास करवाने के लिए करोड़ों की डील करने का आरोप। अभिभावकों से मेडिकल प्रवेश के लिए पैसे लेने का आरोप। पुलिस को पास कराने वाले 30 छात्रों की सूचना मिली। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए। शुरू में जब ये तुषार भट्ट है, उसको डीओ साहब ने 5 तारीख को उसका मोबाइल और सब चेक किया था, तो एक 30 स्टूडेंट का लिस्ट मिला था। साथ में एक 16 बच्चों का अलग से लिस्ट है, ये परशुराम रॉय है उसकी ऑफिस से भी मिला था। ये जो 16 बच्चे है वो जो पहला 30 का लिस्ट था उसके अंदर वो भी नाम उसमें है। पुलिस के मुताबिक गोधरा के जय जलाराम स्कूल के प्रिंसिपल तुषार भट्ट और रॉय ओवरसीज के परशुराम रॉय ने ये साजिश रची। पुलिस ने कैश भी बरामद किया है और साथ में 8 ब्लैंक चेक और 2,30,00,000 रुपए का भरा हुआ चेक बरामद किया है, जो अभिभावकों ने इन्हें दिया था ताकि बच्चों को नकल करवा कर नीट पास करवाया जा सके। और खबरों में आगे बढ़ते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में G7 समिट में शामिल होने के बाद दिल्ली लौट आए हैं। भारत वापस आने के बाद पीएम मोदी ने G7 समिट के हाइलाइट्स का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जहां पीएम ने कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की, द्विपक्षीय बात की और समिट के आउटरीच सोशल मीडिया के जरिए संबोधित कर दुनिया को बड़ा संदेश भी दिया। देखिए, दुनिया में मोदी की अप्रूवल रेटिंग क्या है? दुनिया के सबसे ताकतवर देश और उनके राष्ट्राध्यक्षों के लिए मोदी कितना मायने रखते हैं, इसका अंदाजा G7 की बैठक के बाद ली गई इस तस्वीर को देखकर लगाया जा सकता है, जिसके सेंटर में है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में G7 समिट में शामिल होने के बाद स्वदेश लौट चुके हैं, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में मोदी की तस्वीर छाई हुई है। पीएम मोदी ने G7 सम्मेलन के दौरान कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की। पीएम मोदी इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से भी मिले और इस मुलाकात की सबसे खास तस्वीर मोदी के साथ मेलोनी की सेल्फी रही। प्रधानमंत्री मोदी ने एक के बाद एक इटली में वैश्विक नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले और इस मुलाकात पर कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ बैठक की और उन्हें भारत को G7 शिखर सम्मेलन में बुलाने के लिए धन्यवाद कहा
और साथ ही दोनों देशों के कॉमर्स, एनर्जी, टेलीकॉम जैसे कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर चर्चा की। पीएम मोदी यूके के पीएम ऋषि सुनक से मिले और सेमीकंडक्टर तकनीक और कारोबार के मामले में दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने की बात कही। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की और कहा कि साल में ये हमारी चौथी मुलाकात है। दोनों नेताओं ने रक्षा, सुरक्षा, तकनीक, एआई और ब्लू इकोनॉमी जैसे मुद्दों पर चर्चा की। इसके अलावा पीएम मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन से अलग पोप फ्रांसिस से मुलाकात की और उन्हें भारत आने का न्योता दिया। पीएम मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलिदीमिर ज़ेलेंस्की से भी मिले, जिनके साथ आपसी रिश्तों और कारोबार के बारे में बात हुई। पीएम ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा से भी मिले और जॉर्डन के किंग अब्दुल बिन अल हुसैन और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान से भी मिले। उन्होंने G7 समिट के दौरान एंटोनियो गुटेरेस से भी मुलाकात की। G7 समिट के आउटरीच सत्र के दौरान बोलते हुए पीएम मोदी ने ग्रुप की 50वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। पीएम ने कहा कि टेक्नोलॉजी की सफलता के लिए मानव केंद्रित दृष्टिकोण की जरूरत है। जैसे भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी से लोगों तक सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने भारत के एआई मिशन की बात की, जो एआई फॉर ऑल यानी सभी के लिए एआई पर आधारित है। पीएम मोदी ने कहा कि एआई का इस्तेमाल सभी लोगों की प्रगति के लिए होना चाहिए। पीएम ने कहा कि भारत एआई के ग्लोबल पार्टनर के तौर पर वैश्विक भागीदारी को बढ़ावा दे रहा है। पीएम ने क्लाइमेट चेंज पर भी दुनिया को संदेश दिया और कहा कि भारत 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को पाने की दिशा में काम कर रहा है। पीएम ने पौधारोपण अभियान से जोड़ने के लिए दुनिया को संदेश दिया, जिसको प्लांट फॉर मदर नाम दिया गया है। यही नहीं, पीएम ने ग्लोबल साउथ की चिंताओं को प्राथमिकताओं में रखने का आह्वान किया। G7 शिखर सम्मेलन से लौटने के बाद पीएम मोदी ने अपनी इस यात्रा का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया और लिखा कि उन्होंने विश्व मंच पर भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। तो वही जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को घुसपैठ कराने में अब पाकिस्तान चीन की मदद ले रहा है। पीओके में इस वक्त कई चीनी कंपनियां एक्टिव हैं और उनकी मदद से एलओसी के पार मजबूत बंकर बनाए जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त खुफिया एजेंसियों को आतंकवादी गुट जैश के एक बड़े कमांडर का ऑडियो टेप मिला है। इस टेप में अयोध्या और राम मंदिर पर आतंकी हमले की भी धमकी दी गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। अयोध्या, अमरनाथ अब आतंकियों के रेडार पर हैं। छह दिन के अंदर वैष्णो देवी से लेकर अमरनाथ और अमरनाथ से लेकर अयोध्या का ऐसा हाई अलर्ट हुआ है कि सुरक्षा एजेंसियों के सामने तीन बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। सबसे बड़े खतरे का अलर्ट अयोध्या में राम मंदिर को लेकर जारी हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों को दो चीज मिली है, एक है पोस्टर और दूसरी है एक ऑडियो क्लिप। इस पोस्टर पर उर्दू में लिखा हुआ है कि राम मंदिर को गिरा दिया जाएगा। ऑडियो क्लिप में क्या है वो भी गौर से सुनिए। इंशाल्लाह बाबरी मस्जिद की जगह जो तुम्हारा मंदिर बना हुआ है और वहाँ हमारे तीन साथी शहीद हुए हैं, इंशाल्लाह इस मंदिर को गिराना हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। इस ऑडियो क्लिप में आवाज किसकी है नहीं मालूम, लेकिन यह धमकी पाकिस्तान के आतंकवादी गुट जैश की तरफ से बताई जा रही है, यानी वही आतंकी गुट जिसका सरगनाम मसूद अजहर है। मुमकिन है कि ये मसूद अजहर का ही कोई सीनियर कमांडर है। ऑडियो क्लिप में उन्हीं तीनों आतंकियों का जिक्र किया गया है जो 2001 में हमले के इरादे से आए थे लेकिन मारे गए। अयोध्या में सुरक्षा को देखते हुए यहाँ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का सेंटर बन रहा है। ये देश में एनएसजी का छठा हब होगा। इससे पहले चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई और अहमदाबाद में एनएसजी के हब हैं। अब अयोध्या में भी एनएसजी हब बनकर तैयार होगा तो उत्तर प्रदेश में आसपास किसी भी इमरजेंसी के लिए भी कमांडो ऑपरेशन जल्दी से जल्दी किया जा सकेगा। जैश की धमकी के बाद अभी अयोध्या में जिन जगहों की सुरक्षा बढ़ाई गई है उसमें राम मंदिर शामिल है।
उसमें अयोध्या का महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट है। अयोध्या में सरयू घाट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीसीटीवी से पूरे अयोध्या की निगरानी की जा रही है। पुलिस के साथ पीएसी भी जगह जगह तैनात है। अयोध्या धाम क्षेत्र की सुरक्षा के संबंध में बात करें तो पूरे क्षेत्र को हमने विभिन्न एरियाज में विभाजित करके सीनियर राजपत्र अधिकारियों के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया, जिसमें हमारी विभिन्न जोन्स में हमारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात है, जिसमें स्टेट पुलिस में हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अलावा पीएससी के भी हमको कई कंपनीज प्राप्त हुई हैं, जिनको लगा करके सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। जो हमारे जितने भी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं, जो वाइटल इंस्टॉलेशन हैं, उनके लिए अलग से सुरक्षा व्यवस्था की हमारी तैयारी है। 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही नहीं, अयोध्या पहले से आतंकवादियों के टारगेट पर रही है। 2005 में भी अयोध्या पर आतंकी हमले की साजिश हुई थी। 5 जुलाई 2005 को लश्कर ने अयोध्या में तब विवादित जगह पर हमला किया था। इस हमले में 5 आतंकी शामिल थे और 5ों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। तब आतंकियों ने बारूद से भरी एक गाड़ी के साथ हमला किया था, लेकिन इस हमले को चौकन्ने सुरक्षा कर्मियों ने नाकाम कर दिया। अब इसी तरह की धमकी एक बार फिर सामने आई है। हालांकि 2023 में भी अयोध्या में धमाका करने की धमकी आई थी, लेकिन बाद में ये फर्जी साबित हुई थी। हालांकि इस बार आई ऑडियो क्लिप के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर से दिल्ली और दिल्ली से अयोध्या तक खुफिया एजेंसियों का नेटवर्क एक्टिव है। जम्मू कश्मीर के वर्तमान हालातों को देखते हुए खुफिया और सुरक्षा अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक केंद्रीय गृह मंत्रालय में हुई। चूंकि आने वाले 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर की यात्रा पर जा सकते हैं, लिहाजा वहां के हालातों पर खुफिया और सुरक्षा अधिकारियों की पैनी निगाहें हैं। इस दौरान अमरनाथ यात्रा की भी समीक्षा बैठक की गई और इस बैठक के दौरान बताया गया कि जम्मू के सांबा बॉर्डर से लगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बॉर्डर से पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा बड़े पैमाने पर घुसपैठ की गई है। 9 जून को जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले ने साफ कर दिया है कि आतंकवादियों के टारगेट पर कश्मीर से लेकर अयोध्या तक बहुत से ठिकाने हैं। इसमें अयोध्या ही नहीं, अमरनाथ यात्रा ही नहीं, बल्कि वैष्णो देवी जैसी कई और जगह आतंकवादियों के रेडार पर हो सकती हैं। इन तीनों लोकेशन को लेकर इस वक्त गृह मंत्रालय काफी अलर्ट है। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा और जांच एजेंसियों के साथ गृह मंत्रालय ने अहम बैठक की है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे पर भी सुरक्षा को लेकर समीक्षा की गई। जो अमरनाथ यात्रा अब आने वाली है, उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के? अमरनाथ यात्रा हम लोगों का एनुअल एक होता है, इवेंट, बड़ा इवेंट है। इसमें पुलिस, सिक्योरिटी फोर्स, प्रशासन मिलकर फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग के सफिशियंट सीएपीएफ की कंपनियां मिल गई है। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के चिड़ियाघर में पहुंचे, जहां उन्होंने बब्बर शेरों को छोड़ा। जू के जानवरों के बीच उनका अलग ही अंदाज दिखाई दिया। उन्होंने भालू को आइसक्रीम भी खिलाई। देखिए इस रिपोर्ट में। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर है तो सुबह के समय वो गोरखपुर के चिड़ियाघर पहुंचे। इतना नाराज क्यों है? पीछे पीछे। ओह अनिल पीछे। ओह ए नाराज नहीं होते रे, नाराज नहीं होते, नाराज नहीं होते, नाराज नहीं होते। सीएम योगी का जानवरों से प्रेम किसी से छिपा नहीं है। जानवरों को देखकर उनके चेहरे की खुशी अलग ही दिखाई देती है। योगी जू में बारी बारी से यहाँ के जानवरों से मिले। वो बाघ के बाड़े के पास गए, यहाँ भी उनका अलग ही अंदाज नजर आया। वो बाघ से बातें करते हुए दिखे। रे इतना नाराज क्यों है? पीछे पीछे। ओह अनिल पीछे। ओह ए नाराज नहीं होते रे, नाराज नहीं होते, नाराज नहीं होते, नाराज नहीं होते, नाराज नहीं होते। ए काय रे, काय नाराज नहीं होते रे, काय नाराज हो रहा, काय खाने के लिए पूरा मिल रहा है ना है? सूरज की तपिश सुबह से ही बढ़ने लगी थी, जिससे जानवरों के लिए भी गर्मी मुसीबत बनी हुई है। सिर में टोपी पहने योगी भालू के बाड़े में पहुंचे। उनके हाथ में आइसक्रीम थी।
भालू को ठंडक पहुंचाने के लिए आइसक्रीम की व्यवस्था की गई। योगी ने भालू वीरों के बाड़े में पहुंचते ही उसे नाम से पुकारा तो भालू भी उनकी आवाज़ सुनकर दौड़ा दौड़ा चला आया। सीएम ने वीरू को आइसक्रीम खिलाई। योगी चिड़ियाघर के दो गेंडों को देखने गए। गेंडों का नाम हर और गौरी है। इसके बाद जू के कर्मचारियों ने योगी को घास दी और योगी ने दोनों गेंडों को अपने हाथों से हरी हरी घास खिलाई। गोरखपुर के चिड़ियाघर की शान अब और भी बढ़ गई है। जैसे ही यहां दो बब्बर शेरों ने चहलकदमी की, जू प्रशासन ने दोनों मेहमानों का उनके नए घर में वेलकम किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दोनों बब्बर शेरों को उनके बाड़े में प्रवेश करवाया। योगी सुबह के समय शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान पहुंचे। मौका बेहद ही खास था क्योंकि दोनों बब्बर शेर गुजरात के जूनागढ़ से लाए गए थे। सीएम योगी ने भरत और गौरी नाम के इन शेरों को दर्शकों के लिए बाड़े में छोड़ दिया। दो शेरों के आने के बाद अब इस चिड़ियाघर में बब्बर शेरों की संख्या 3 हो गई है। अपने नए ठिकाने में आकर शेर भी तन कर चलने लगे। 5 साल के भरत और 7 साल की गौरी को चिड़ियाघर के निदेशक, पशु चिकित्सा अधिकारी और उनकी टीम की देखरेख में इटावा सफारी से गोरखपुर लाया गया है। चिड़ियाघर में पहले से एक बब्बर शेर पटौदी मौजूद है। यहाँ मरियम नाम की शेरनी भी थी लेकिन उसकी मौत हो चुकी है। कोरोना महामारी के दौरान 7 बब्बर शेरों को गुजरात के जूनागढ़ के शक्करबाग चिड़ियाघर से इटावा लायन सफारी लाया गया था। इनमें से बब्बर शेर पटौदी और मरियम को 2 साल पहले ही गोरखपुर के चिड़ियाघर लाया गया था। 20 साल की शेरनी मरियम की पिछले महीने मौत हो गई थी लेकिन जू में अब 2 बब्बर शेर और 1 शेरनी हो गए हैं। चिड़ियाघर में सीएम योगी ने भीषण गर्मी से बचाव के लिए जानवरों के लिए की गई व्यवस्थाओं की जानकारी ली। जानवरों को कोई दिक्कत ना आए इसके लिए जू प्रशासन को जरूरी निर्देश दिए गए। पिछले दिनों भी योगी चिड़ियाघर में पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। गर्मी से बचने लोग पहाड़ आ रहे हैं लेकिन नैनीताल जैसे हिल स्टेशन भी गर्मी के चपेट में हैं। हालात ये हैं कि अब पंखों की डिमांड नैनीताल में भी बढ़ गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। पिछले कुछ दिनों से सरोवर नगरी भी गर्मी की चपेट में है। ठंडक देने वाली फिजाएं सूरज की तपिश झेल रही हैं। हालात ये है कि गर्मी ने ऐसा मारा है कि नैनीताल जैसे शहर में पंखों की डिमांड इस कदर बढ़ गई है कि डिमांड पूरी ही नहीं हो पा रही। मेरी तो जिंदगी में पहली बार हुआ है नैनीताल में। ये तो आज तक इतनी गर्मी हुई नहीं है। जरा सा गर्म होता था तो बारिश पड़ जाती थी। अब तो ये माहौल ही दूसरा हो गया, समझ में नहीं आ रहा। पंखों की डिमांड तो बहुत ज्यादा हो गई। रोज के करीबन 5-10 पंखे बिक रहे हैं, बल्कि नीचे तो आ ही नहीं रहा माल। यहाँ पर डिमांड में है। सरोवर नगरी में आमतौर पर तापमान 20 से 21 डिग्री के बीच रहता है लेकिन अब सरोवर नगरी का तापमान 31 पार जा चुका है। बारिश नहीं होने से गर्मी का प्रकोप हो गया है तो गाड़ियों के दबाव और जंगल की आग ने तापमान को और बढ़ाया है। हालांकि शहर के जागरूक लोग भी इसको लेकर चिंतित हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से चिंता है कि जो यहाँ की आबोहवा है उसके लिए ही तो नैनीताल में आते थे, यहाँ के लोग शांति के लिए आते थे। लेकिन आप देख रहे हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि बाबे यहाँ तो वही गर्मी हो रही जो हमारे वहाँ हो रही है। क्योंकि देखिए जिस प्रकार से जो गर्मी बढ़ रही है ये तो हमने भी जो है जब से हमारी पैदाइश नैनीताल की है यहाँ पर हम लोगों ने इस तरीके की कभी नहीं देखा। जो पर्यावरण का है ये बिल्कुल असंतुलित हो गया है तो इसलिए विचार करने की जरूरत है। हर व्यक्ति को विचार करने की जरूरत है कि हम जो है थोड़ा सा अपने पर्यावरण में भी ध्यान दें। बहरहाल जिस नैनीताल में पंखे कभी नहीं देखे उसी नैनीताल में 60 से 70 पंखे रोजाना बिक रहे हैं जो पर्यावरण के लिए भी